इसराइल ने कोई भी जवाबी कदम उठाया तो उसे कड़े जवाब का सामना करना पड़ेगा, ईरानी सदर। अक़्वामे मुत्तहिदा का मगरबी किनारे में बढ़ते हुए तशद्दुद पर शदीद तशवीश का इजहार। यूक्रेन के पास दिफाई मिसाइलों की कमी की वजह से कीफ का अहम पावर प्लांट तबाह कर दिया गया, यूक्रेनी सदर। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। इसराइली आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि ईरान को अपने इकदामात के नतायज का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल को खबरदार किया है कि ईरान की जानिब से किए गए हमले के जवाब में अगर कोई भी कदम उठाया गया तो उसे तकलीफ देह जवाब का सामना करना पड़ेगा। रईसी ने इस बात का अयादा किया कि ईरान ने ये कार्रवाई अपने दिफा में की है और इसमें उन इसराइली अड्डों को निशाना बनाया गया जो दमिश्क में उनके कौंसल खाने पर हमले के लिए इस्तेमाल किए गए थे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। अक़्वामे मुत्तहिदा ने मगरबी किनारे में बढ़ते हुए तशद्दुद पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ज़ेरे कंट्रोल इलाके में फलस्तीनियों पर आबादकारों के हमलों की हिमायत फौरी तौर पर बंद कर दें। इंसानी हकूक के दफ्तर की तर्जुमान रोइना शमदसानी ने जेनीवा में सहाफियों को बताया कि इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज को फलस्तीनियों पर आबादकारों के हमलों में अपनी फ़ाल शिरकत और हिमायत को फौरी तौर पर खत्म करना चाहिए, मजीद हमलों को रोकना चाहिए और जिम्मेदारों को एहतसाब के कटहरे में लाना चाहिए। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस यूक्रेन के पास दिफाई मिसाइलों की कमी की वजह से कीव में काम करने वाले एक अहम पावर प्लांट को तबाह करने में कामयाब रहा है। 3.5 हफ्तों से रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर मुसलसल हमले शुरू किए हैं जिससे 10 लाख से ज्यादा लोग बिजली से महरूम हैं। कीव के इलाके को बिजली फराहम करने वाले सबसे बड़े इदारों में से एक ट्रिपल्स का थर्मल पावर स्टेशन 11 अप्रैल को रूसी मिसाइलों से तबाह हो गया था। सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी चैनल PBS को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारे पास ट्रिपल्स्का के दिफा के लिए मिसाइल खत्म हो गए हैं। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। बैन अक्वामी इंसानी हकूक के कवानीन की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करने वाले अक्वामे मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम तहकीकाती कमीशन ने इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो उन कोशिशों में रुकावट डाल रहा है जो वो 7 अक्टूबर को इसराइल में हमास के हमले से मुतासरीन से शवाहिद इकट्ठे करने के लिए कर रहा है। कमीशन के रुकन क्रिस सिदोती ने कहा कि हमने इसराइली हुकूमत की जानिब से न सिर्फ तआवुन की कमी देखी है बल्कि जनूबी इसराइल में पेश आने वाले वाकयात के बारे में इसराइली गवाहों और मुतासरीन से सबूत हासिल करने की हमारी कोशिशों में जबरी रुकावट भी देखी है। सदूती के जवाब में जेनीवा में इसराइली सफारती मिश ने कहा कि वो जराइम की खुद तहकीकात कर रहा है। तंजानिया में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान सैलाब से 58 अफराद हलाक हो चुके हैं, अब तक 1,26,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। दूसरी जानिब पड़ोसी मुल्क केन्या में भी सैलाब से कम अज़ कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचा है और सैलाब ज़दा इलाकों में रहने वालों को नकल मकानी करने पर जोर दिया जा रहा है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मंगल की सुबह 15 मुसाफरों से भरी कश्ती उलटने से कम अज़ कम 6 अफराद हलाक हो गए। डिजास्टर रिलीफ फोर्सेज की जानिब से दरियाए जेहलम पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जहां 3 अफराद के लापता होने की भी इत्तला है। इस खित्ते में हाल ही में होने वाली शदीद बारिशों की वजह से पानी के शदीद बहाव ने ऐसे हादसात के इम्कान को बढ़ा दिया है, ताहम इस हादसे की वजह का अभी तक तायुन नहीं हो सका। न्यू साउथ वेल्स की रियासती पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सिडनी में एक रोज कबल चर्च के बिशप पर चाकू से हमला दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। सिडनी के मजाफाती इलाके में चर्च पर हमले में कम से कम 4 अफराद जख्मी हुए जिनमें बिशप मारमरी इमैनुअल भी शामिल हैं। इस वाकये से पुलिस और बिशप के पैरोकारों के मुश्तैल हजूम के दरमियान झड़पें हुई जिन्होंने हमलावर को उनके हवाले करने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक परेशान कुन वाकया है, हम अमन पसंद कौम है और ये मुतहिद होने का वक्त है, एक बरादरी और एक मुल्क के तौर पर तकसीम होने का नहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर थी बहजत जिलानी।